हाय गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं रवा डोसा। तो मैंने जो पहले वीडियो अपलोड किया था रवा डोसा का, उससे ये रवा डोसा काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप सूजी ली है। ये सूजी जो है इसे ग्राइंड नहीं करना है, और हम ये उपमा और शीरा बनाने में जो यूज़ करते हैं ये वही सूजी है। तो हाफ कप मैंने सूजी डाली। हाफ कप सूजी के साथ हाफ कप चावल का आटा भी मैं डाल दूँगी। जितनी हाफ कप ली थी सूजी, तो वही बाउल में मैंने वो। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप, आप देख सकते हो ये 1/4 कप है, ये मैंने लिया है मैदा। तो 1/4 कप मैदा डालेंगे। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून दही लिया है, वो दही हम 1 टेबल स्पून उसमें डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। अब बात है इसमें पानी डालने की, तो पानी का मैं पहले आपको रेशियो बता देती हूँ। तो अगर हम 1 कप सूजी ले तो हमें इसमें 5 कप जितना पानी डालना है, मतलब 1 कप सूजी में 5 कप पानी। हमने लिए हाफ कप सूजी, तो इसमें हमें 2.5 कप पानी डालना है। तो पहले मैं 1/2 कप पानी डाल दूँगी। तो पहले मैं 1/2 कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मैंने 1/2 कप डाल के इसको मिक्स किया है, और अब फिर से इसमें जाएगा 1/2 कप पानी। टोटल अब मैंने इसमें 1/2 कप करके 2 बार डाला है और मिक्स कर देती हूँ। फिर से 1/2 कप पानी डाल देते हैं। ये बैटर जो है ये डोसा का, इसको हमें जैसे हम बटर मिल्क बनाते हैं उससे थोड़ा ही गाढ़ा रखना है, बाकी ये एकदम पतला होता है। फिर से मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। तो मैंने 4 बार 1/2 कप पानी डाला है इसमें। मिक्स कर दूंगी। अभी भी बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो फिर से मैं इसमें पानी 1/2 कप ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप पानी डाल दिया है। अब इतना पानी डाल के हमें बैटर को मिक्स करना है। मिक्स ऐसे करना है कि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसमें 2 टेबल स्पून धनिया डालना है। तो मैंने पहले एक डाला, अब मैं दूसरा डाल दूँगी। हम इसे मिक्स कर देंगे। अब मैंने ये ऐसी मिर्ची ली है, इसको मैंने ऐसे कटिंग की है एकदम पतली पतली और गोल। ये मिर्ची बहुत तीखी भी नहीं होती और बहुत मीडियम भी नहीं होती, ऐसी मिर्च चाहिए। तो ऐसी मैंने 1/4 कप ली है, तो वो मैं डाल दूँगी। आपको मिर्च पसंद हो तो डाल सकते हो, वरना ऑप्शनल है। अब इसमें ऑनियन डाल सकते हो, फिर ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हो। मुझे ऑनियन भी नहीं पसंद और ब्लैक पेपर पाउडर भी नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। वरना आपको डालना हो ऑनियन और पाउडर, तो आप इसमें डाल सकते हो। अब ये बैटर बन के रेडी हो गया है। इसे हमें 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करना है। बैटर को ढक के 20 मिनट्स के लिए रख देते हैं। हो चुके, और अब मैंने बैटर को खोला। अब देख सकते हो हमारा बैटर रेडी है, और बैटर पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, इसलिए इसमें 1/4 कप जितना पानी डाल दूंगी। अब हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब मैंने गैस को चालू करके इसमें नॉनस्टिक तवा रखा है। अगर आपके पास नॉनस्टिक वाला ना हो तो आप कोई भी तवा यूज़ कर सकते हो, मैंने नॉनस्टिक वाला रखा है। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाल दूंगी, और ऑनियन को मैंने ऐसे 1-2 पीस कर दिया, इससे मैं फैला दूंगी ऐसे। इससे आपका डोसा जो वो क्रिस्पी बनेगा, और ये ऐसा एक ही बार करना है। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के ये बैटर जो है उसे ऐसे अंदर से बाहर लाना है।
अब इसको इसके ऊपर तेल डाल देंगे और बॉल डाल के उसे फैला देंगे। और ये डोसा जो है उसे ऐसे साइड टू साइड करते हुए 5 मिनट तक रहने देना है। 2 मिनट तक मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है, आप देख सकते हो। अब 2 मिनट हो गए इसलिए मैं इसमें से स्पैचुला से ऐसे कर रही हूँ। और आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे ब्राउन स्पॉट्स भी दिख रहे होंगे, तो ये ज़्यादा दिखने लगे बाद में हमें इसे निकाल के दूसरी साइड भी ऐसे ही 1 मिनट तक सिकने देना है। ये दूसरी साइड सिकने देना जो है वो एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको क्रिस्पी पसंद हो तो आप वो करना। 5 मिनट के बाद ऐसे ब्राउन स्पॉट्स हो गए इसलिए मैं इसे कॉर्नर से निकाल दूँगी और इसे उल्टा कर दूंगी। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। अब इसे 1 मिनट ऐसे प्रेस करते करते हम सेक लेंगे। 1 मिनट हो गई है और अब इसे मैं फिर से उल्टा कर दूंगी। तो आप देख सकते हो ये कितना क्रिस्पी लग रहा है। और अब इसे हम सर्व कर लेंगे।